विश्व प्रसिद्ध वेटलैंड साइट पोंग बांध से प्रवासी पक्षियों के लौटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पोंग बांध जलाशय में इस मर्तबा देश व विदेश के 108 प्रजातियों के परिंदे पाए गए हैं। बात करें परिंदों की संख्या की तो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार एक नई प्रजाति लंबी पूंछ वाली बतख देखी गई और इस वर्ष बोटिंग प्वाइंट के पास सुगनारा क्षेत्र से रिपोर्ट की गई। विश्व के विभिन्न देशों से सितंबर महीने से विदेशी परिंदे पोंग बांध जलाशय का रुख करना शुरू कर देते हैं और फरवरी महीने के अंत तक यहां से रुखसत होना शुरू हो जाते हैं। वन्य प्राणी विभाग द्वारा इस वर्ष 31 जनवरी 2023 को की गई गणना में इस बार विदेशी परिंदों की संख्या 117,022 के करीब आंकी गई है, जबकि पिछले वर्ष ये संख्या 110,309 के करीब थी। वहीं प्रजातियों की बात की जाए तो पिछले वर्ष विदेशी वदेशी परिंदों की 96 प्रजातियां पाई गई थी, जबकि इस वर्ष इनकी प्रजातियों में वृद्धि दर्ज की गई है। इस वर्ष 108 प्रजातियों के परिंदे पोंग बांध पहुंचे थे, जिनमें से 59 प्रजातियों की विदेशी और 29 स्थानीय प्रजातियों के स्थानीय परिंदे थे। रामसर साइट पोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इसमें आपको पता है हर वर्ष जो है वो सर्दियों के मौसम में, जब बाकी क्षेत्रों में अत्यधिक सर्दी होती है, जैसे सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, ट्रांस हिमालयन जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि वहाँ उनके खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो ये पक्षी जो हैं वो खाने के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से भारत की तरफ रुख करते हैं। और हमारे यहाँ पोंग का जो एनवायरनमेंट है वो इतना अच्छा है कि इनको खाने को भी मिलता है और सुरक्षा भी रहती है, तो ये हर वर्ष जो है वो सेप्टेम्बर एंड में आना शुरू हो जाते हैं और लगभग फरवरी मार्च तक जो है वो इनका आना जारी रहता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए तो ये जल्दी जाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जैसे इस बार जो है वो पानी का लेवल बहुत अच्छा है, जिस दिन हमने गणना की उस दिन भी 13-15 के आसपास जो था वो लेवल था, तो इनको सुरक्षा भी है, खाना भी भरपूर मात्रा में है, तो अभी तक आज की डेट तक भी वहाँ पक्षी बहुतायात में उपलब्ध हैं। पिछले वर्ष जो गणना हुई थी उसमें 110,000 के आसपास पक्षी पाए गए थे और इस बार जो है ये संख्या बढ़ गई है, इस बार 117,000 के आसपास पक्षियों की गणना हुई है। और जो हमारी फ्लैगशिप स्पीशीज़ है पोंग डैम में वो है बार हेडेड गूस, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है उसकी संख्या में भी। और सबसे ज़्यादा रिमार्केबल बढ़ोतरी जो हुई है वो हुई है जो नॉर्दर्न पिन टेल है, उसकी संख्या पहले 4,500 थी और इस बार जो है वो 15,000 को 16,000 को टच कर रही है, मतलब 15,000 क्रॉस कर गई है। तो ये एक बहुत अच्छी वो है कि बार हेडेड गीस तो उसका तो पसंदीदा ये क्षेत्र है ही है, लेकिन अब जो है वो पिन टेल जो है वो भी ज़्यादा संख्या में आ रही है। और इसके अलावा इस बार सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है, फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पर उन्हें पहली बार एक नया पक्षी जो है वो देखा है, जिसको लॉन्ग टेल्ड डक कहते हैं, वो आज दिन तक कभी भी यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो वो सुगनाड़ा के बोटिंग पॉइंट के पास रिपोर्ट किया गया है। तो इससे ये लगता है कि यहाँ जो वातावरण है उसमें बहुत सुधार हुआ है और खाना इतनी अच्छी मात्रा में आ रहा है, मैसेज फार एंड वाइड जा रहा है कि नई प्रजातियाँ भी आने शुरू हो गई हैं। पिछली बार के कंपेरिजन में संख्या डेफिनेटली बढ़ी है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन जैसा कि अनुमानित है और प्रायः देखने में आया है कि जिन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, सेंट्रल एशिया है, रशिया है, मंगोलिया है, ट्रांस हिमालय जितना एरिया है, जहाँ पर इस वक्त जो है इतना ज़्यादा टेम्परेचर नीचे चला जाता है, -71-75 डिग्री तक चला जाता है और वहाँ सब कुछ जम जाता है, ज़िंदगी थम जाती है, उस ठंड से बचने के लिए ये प्रजातियाँ यहाँ आती हैं। चूंकि पोंग जो है वो हमेशा अच्छा क्या कहते हैं उसको, एक टेम्परेचर जो है वो मतलब ना बहुत ठंडा है ना बहुत गर्म है, तो उस वे में मार्च से पहले पहले तो उस वे में उस ठंड को ठंड से बचने के लिए यहाँ प्रजातियाँ आती हैं। 108 प्रजातियों के जो पक्षी हैं वो वहाँ पाए गए हैं, विभिन्न प्रजातियों के, उसमें जो है काफ़ी प्रजातियाँ 58 जो हैं वो बाहर की प्रजातियाँ हैं और बाकी जो हैं वो स्थानीय प्रजातियाँ भी हैं। उसमें जो है जो हमारी बार हेडेड गीज है उसकी जो संख्या है वो 50,000 को क्रॉस कर गई है, जो कि एक अच्छा साइन है।